तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में बात करेंगे सिलेक्शन मेथड की। देखिए जब हम एक्सेल की क्लासेस शुरू किए लास्ट क्लास में वो हमने वो क्या सीट को किस कॉल सी दूसरे सीट को किस कॉल करना होता है उसके लास्ट क्लास में संग्राम जी मैंने रेंज पढ़ाया सही से आप नहीं किए तो बहुत सारे ऑटोमेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए डेटा को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने डेटा डायनेमिक सिलेक्ट नहीं किया तो फिर ऑटोमेशंस बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग का परमिशन हर बार अलग अलग तरह के डेटा आपको रिसीव होते हैं, अलग अलग रेंज के डेटा रिसीव होते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सिलेक्शन जरूरी है। तो चलिए हम इसकी डेवलपर में आते हैं और इसकी विजुअल बेसिक पे जाते हैं। मैं यहाँ करता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट में करता हूँ मोडोज। सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दे चुका हूँ संग्राम जी, हो नहीं रहा है, पता नहीं मैं यहाँ से दिया हुआ है सर। बाकी लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी दे दिया सब्जी का। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल सिलेक्शन की, मतलब कि मुझे सिलेक्ट करना है ए वन से लेके, मैं एक काम करता हूँ छोटा कर देता हूँ, जरा दिख रहा है, ए वन से लेके जी फाइव तक मुझे सर्च करने हैं, ए वन से लेके जी ट्वेंटी वन तक। तो इसके दो तरीके हैं, पहला है आपके यहाँ रेंज ए वन सेमी कॉलन जी ट्वेंटी वन डॉट सेलेक्ट। ये क्या होगा, ए वन से लेके जी ट्वेंटी वन टी ट्वेंटी वन तक सिलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए मैं रन किया सिलेक्ट, तो जो ये सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ये हमारा एक्सेल बेस्ड है। अगर आप वीवीए की बात करें तो वीवीए में हम सिलेक्शन की जो वीवीए मेथड है, हालांकि उसका भी यूज होता है, बट वीवीए का मेथड कहता है कि स्टार्टिंग कॉमा एंडिंग G21। तो VBA का मेथड कुछ इस तरह से करता है, क्योंकि हमें ऑटोमेशन और डायनेमिक रूप से सिलेक्ट करने का इसी तरह का यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है, ऊपर पकड़ता है शिफ्ट के साथ, नीचे पकड़ता है और इसको कर देता है, ठीक है, विदाउट सर इसमें। अब ये हो गई हमारी बात, अब इसमें एक सिलेक्शन का तरीका है, दूसरा सिलेक्शन का तरीका है, एक और आता है सेल्स। अगर आपने सेल्स डैट सिलेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करेगा, सीट दिख रहा है ना, ये पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेगा सेल्स डॉट सिलेक्ट। अब इसी में आप ये करते हैं कि मुझे ऑटोमेटिक सिलेक्ट चाहिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रेंज ए वन से लेके ए वन डॉट एन, एन नहीं मार दीजिएगा, डॉट करेंट रीजन, करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट। तो रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट करें क्या करेगा कि पूरा एरिया को सिलेक्ट करेगा, कंट्रोल ए, ये क्या करेगा कंट्रोल ए प्रेस करेगा, जी हाँ कंट्रोल ए, जस्ट कंट्रोल ए प्रेस करेगा और इसको सिलेक्ट कर देगा।
लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर इसके बीच में कोई ब्लैंक हुआ रो एंड कॉलम, तो फिर वो सिलेक्शन उसी के पहले आएगा, उसके आगे नहीं आएगा। अब इसमें और ये तो और आगे बढ़ती है और किस तरह की सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कर्सर को मूव करने की। जैसे यहाँ पे कर्सर है कंट्रोल के साथ सबसे लास्ट में आना है, तो कैसे आएंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे रेंज A1 डॉट एंड एक्सेलेक्स डाउन डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा कि ऊपर से सीधे नीचे की तरफ जंप कर जाएगा, कुछ इस तरह से। कंट्रोल के साथ डाउन अगर करते ना, अगर आपको आप में करना है तो इसी के जैसे एंड में आपने ब्रैकेट लिया था, इसी में आपको एक्सेल टू लेफ्ट, एक्सेल टू अप डाउन सब दिया हुआ है, तो इसकी मदद से भी सिलेक्शन किया जा सकता है। जैसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। संग्राम जी मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन आपको दे दी है, आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैं दे चुका। तो हम इसको करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, इस तरह से सिलेक्ट हो जाए। तो उस केस में हम यहाँ दो कोड को मर्ज करेंगे, जो यहाँ है ये दो कोड, इस दोनों कोड को हम मर्ज करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे रेंज A1 कॉमा रेंज A1 से एंड एक्स सेलेक्ट टू लेफ्ट, टू राइट होगा, सॉरी लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, हाँ लेफ्ट, और फिर यहाँ पे डॉट सेलेक्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो कोड को मर्ज किया। देखिए ये जो तरीका है आपका कि स्टार्टिंग और एंडिंग, तो स्टार्टिंग हमारा A1 फिक्स है, एंडिंग हमें पता नहीं, तो एंडिंग हमें ए ऑप्शन दे रहा है, जो कोड यहाँ पे है ना, एक कोड ही दे रहा है कि ये सीधे क्या कर रहा है कि यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ आपका राइट एरो प्रेस करता है, राइट में चला जाता है, और ये जो G1 है वो G1 यहाँ पे दे देता है, जब रन करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा G1 और आपका G1 सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो सिलेक्ट सिर्फ ऊपर का ही करेगा इतना एरिया, अब नीचे का भी करना है, ये भी करना है हमें, तो इसके लिए यहाँ हम लिखेंगे सिलेक्शन, नहीं माफ कीजिएगा, रेंज देना होगा पहले, रेंज सिलेक्शन से सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप, आपने डाउन होगा माफ कीजिएगा, डाउन डॉट सेलेक्ट। तो ये दोनों कोड इकट्ठा आप लिखेंगे तो आपका जो है क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड डाउन और रिप्लेस होके आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। भुवन जी समझ में आ रही है आपको? भुवन जी समझ में आ रही है? भुवन जी मुझे सुन नहीं पा रहे, भुवन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सर अब हमने सिलेक्ट कर लिया रहे, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है यहां जो दिख रहा है, अगर हमने इसको ब्लैंक कर दिया तो ये यहां पे आके रुक जाएगा और यहां पे आके रुक जाएगा। तो एक कोड दो लाइनों की जो कोड दिखाया, उस कोड को अगर हम रन करेंगे तो इतना ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम फुल्ली डायनेमिक सिलेक्शन करने के लिए दो चीज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे R इक्वल टू रेंज A65000 डॉट एंड
और यहाँ पे हमने कर दिया एक्सल अप डॉट रो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा ए 65,000 में और यहाँ कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करेगा और सबसे लास्ट भी आ जाएगा। जी हाँ, अप यूज करेगा और सबसे लास्ट में आ जाएगा। और इसका जो रो नंबर 21 है वो आर पे स्टोर कर देगा, रो नंबर 21 आर पे स्टोर कर दिया। और फिर यहां पे हम C इक्वल टू करेंगे रेंज एक्स एफ डी 1। एक्स एफ डी 1 और यहां पे हम करेंगे एंड टू राइट डॉट सेलेक्ट डॉट माफ कीजिए कॉलर माफ कीजिएगा। ये सबसे लास्ट में जाएगा आपका यहां एक्स एफ डी 1 पे और यहां से राइट कंट्रोल के साथ राइट एरो यूज करेगा, कंट्रोल के साथ राइट एरो यूज करेगा। और यहां से फिर वो इस तरह से यहाँ का जो कॉलम नंबर है क्या है 1 2 3 4 5 6 7 सेवन नंबर यूज कर देगा। ठीक है, समझ आया सर। अब यहां पे लिखेंगे रेंज स्टार्टिंग पोजीशन तो हमारा A1 है ही और एंडिंग पोजीशन में हम लिखेंगे सेल्स आर कॉमा सी डॉट सेलेक्ट। अब जो सिलेक्शन होगी उसके बाद ही कुछ हो सकता है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कॉपी नहीं होगा ना पेस्ट होगा कुछ भी नहीं होगा। सर ये समझ में आ गया आपको सर। कमरान जी कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ रहा है ना? जी सर, जी सर। बात करते हैं कि मान लीजिए कि मुझे सबसे लास्ट पे चाहिए, मैं नेक्स्ट ब्लैंक जो मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई नंबर ऐड करना है। अब ये 22 है तो नंबर ऐड करने के लिए इसे बताया था लास्ट क्लास में कि मैं यहाँ पे रेंज A22 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी दे सकता हूँ। बट प्रॉब्लम है कि हमेशा A22 थोड़ी रहेगा, क्या सर?
उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए तरीका है कि मैं यहां लिखूंगा रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएक्स आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट किए या कोई वैल्यू डालना है, कॉपी करना है, एनीथिंग करना है कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले आपके एक्सेस जो भी एक्टिव शीट है उस एक्सेल शीट में ए 65,000 रुपये जाएगा और यहाँ से ऊपर आएगा तो आपका जो लास्ट पे पहुँचेगा। तो ये जो आपका रेंज एक्सेल एंड तक यही करता है, समझे सर? अब ऑफसेट का काम क्या है, एक मिनट आप लीजिए, ऑफसेट का काम ये है ऑफसेट का काम ये है यहाँ पे कि आपका जितना डिजिट ऊपर नीचे करना चाहे उतना डिजिट ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 रो कर दिया तो 1 रो नीचे आएगा। अब 0 कॉलम हमने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया 0 कॉलम, तो 0 कॉलम अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो क्या होगा, नीचे आके आगे बढ़ जाएगा। अगर हमने माइनस में कर दिया तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा या पीछे आएगा। तो इसलिए इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। ये ऑप्शन वाला सिस्टम समझ में आ गया, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम कल प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ। भुवन जी, भुवन जी आप हैं ऑनलाइन? हाँ जी सर, हाँ जी, ये समझ में आया आपको सर? हाँ जी, हाँ जी, वो थोड़ा नेटवर्क डाउन हो गया जी सर। क्योंकि कल जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं इसी ऑफसेट, उसमें ऑफसेट का ही रोल अच्छा खासा होगा। अब देखिए ये चीज हमने इसलिए सिखाया क्योंकि आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है और बाकी चीज़ें करना है, तो तभी आपका ये सुटेबल होगा जब आप जो है सिलेक्शन करेंगे डेटा को। डेटा सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अभी आप लोगों को हम एक वीडियो भेज रहे हैं, उस वीडियो को आपको देखना है और उसी तरह के प्रोजेक्ट को बनाना है।